नवादा के निरंजन ने ट्यूशन पढ़ाया और किया यूपीएससी क्रैक। पिता की थी छोटी सी खाने की दुकान, पहले भी आईआरएस के लिए चुने गए, इस बार पूरा हुआ सपना। जातीय जनगणना पर नीतीश के लिए बीजेपी का संदेश, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा गिनती के जरिए सही आंकड़े लाना संभव नहीं, कर्नाटक ओडिशा ने कराई है गणना। हादसे की आशंका, सीएस ने दोबारा जांच के लिए गठित की 3 सदस्य कमेटी, मांगा स्पष्टीकरण। मड़वन पीएससी में कभी भी फैल सकता है संक्रमण। सावधान नहीं रहे तो बढ़ेगा कोरोना, 24 घंटे में 4 से 10 हुए नए मामले, बाहर से आने वाले बढ़ा रहे संक्रमण, पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना के मामले को लेकर बड़ा खतरा। नवादा में डिक्की तोड़कर 80,000 ले भागे उचक्के, दिन दहाड़े हुई घटना, चिल्लाती रही लड़की, झपट्टा मारकर बाइक सवार हो गए चंपत। तेजस्वी को सीएम नीतीश के बोलने का इंतजार, जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव ने कहा बिहार बीजेपी और केंद्र बीजेपी अलग है क्या, महागठबंधन की सारी पार्टियां भारत बंद का समर्थन करेंगी। मुजफ्फरपुर में ट्रक कंटेनर में टक्कर, एक की मौत, लकड़ी लोडकर दरभंगा जा रहे थे लकड़ी कारोबारी, सामने से ट्रक ने मारी टक्कर, घटना स्थल पर हुई मौत। बिहार में कमजोर पड़ा मानसून, 24 घंटे में बारिश का नहीं बन रहा सिस्टम, गर्मी से लोगों की हालत खराब, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान, भारत बंद का व्यापक असर बिहार में दिखेगा, सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट देंगे, स्कूल कॉलेज सब पर असर पड़ना तय। यूपीएससी टॉपर ने कहा डिजिटल दुनिया में आसान हुई तैयारी, शुभम बोले लक्ष्य के लिए समर्पण हो तो गांव से भी सफलता मिल जाएगी, इंटरनेट पर स्टडी मटेरियल की नहीं है कोई कमी। लव अफेयर में बहता खून, 2020 में प्रेम प्रसंग में 285 लोगों को मिली मौत, जिम ट्रेनर की तरह बिहार में अवैध संबंधों को लेकर हुए है एक साल में कई बार। मुजफ्फरपुर में फिर 80 लाख की शराब जब्त, भूसा लदे ट्रक के नीचे छुपाकर लाई गई थी शराब की खेप, भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। आयांश के इलाज के लिए लकी ड्रॉ प्रतियोगिता, महिला उद्योग संघ ने दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त आयांश की मदद के लिए लगाया लकी ड्रॉ प्रतियोगिता, मेले में लगाया आयांश हेल्प स्टॉल। बेगूसराय में बिहार पुलिस के जवान की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान, पटना में कार्यकर थे सिपाही, कल ही गए थे घर। में प्रभावितों की संख्या दुगनी, 16 सितंबर को प्रभारी मंत्री की समीक्षा में 61,847 थे बाढ़ प्रभावित, 23 सितंबर को 129,426 आबादी प्रभावित।